Allow the flow of positive energy to enter into all aspects of your life. Stability into your relationships. Prosperity into your business. And peace into your home. Balance the five elements of nature. Follow the principles of Vastu Shastra. Visit divinevastu.net. Reva Kumar, your Vastu Shastra specialist. रेडियो जिंदगी 1550 एम पे आप सबको स्वागत करना चाहती हूँ ऑन दिस वंडरफुल शो जिसका नाम है डिवाइन वर्ल्ड ऑफ वास्तु। एस्ट्रो और न्यूमरोलॉजी के बारे में आपने तो सुन ही लिया है, पर मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि ये जो अब का पल है, ये जो अब का घंटा है, इसमें आप सही दिशा में चलने वाले हो। और सही दिशा में चलने से पहले आपको ये तो पता ही है कि हम एक बहुत ही अमेजिंग सॉन्ग के साथ शुरुआत करते हैं। तो चलिए, आज मैं यही चाहती हूँ और रेवा जी का भी यही मानना है कि भगवान जो होते हैं वो आपके नैया उस पार लेके जाते हैं। तो चलिए सुन लीजिए एक बहुत ही अमेजिंग सॉन्ग और उसके बाद रेवा कुमार के साथ हम करेंगे कुछ बातें जो आज के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि दिवाली आने वाले है और आपको तो पता ही है कि डिवाइन वास्तु के अनुसार यही समय है जब आप सबसे ज्यादा खुद के लिए कर सकते हैं, अपने फैमिली के लिए कर सकते हैं, अपने रिलेशन के लिए कर सकते हैं और अपने बिजनेस के लिए भी कर सकते हैं। तो चलिए बहुत ही प्यारे धुन के साथ शुरुआत करते हैं डिवाइन वर्ल्ड ऑफ वास्तु और उसके बाद रेवा जी से मुलाकात करेंगे, बातें करेंगे और डिवाइन टिप्स भी लेंगे। जिए जा। जी हाँ, खूब मीठे मीठे पकवान तो आप खाते हैं जब दिवाली आते हैं और सेहत में भी चार चांद लगाते हैं, पर अगर आप बस चांद के बारे में सोचेंगे तो कैसा होगा, क्योंकि दिवाली जो है ये खुशियों का त्योहार है और इसे खुशी को आप एनहांस भी करना चाहते हैं। पर अगर आपको पता नहीं है कि आप एनहांस करें तो कैसे करें, तो मैं आपको बताऊं कि हमारे साथ है इसका हल, क्योंकि हमारे साथ है डिवाइन वास्तु कंसल्टेंट रेवा कुमार। वो ना कि बस एरिया में फेमस है, शी इज फेमस वर्ल्ड वाइड और इसीलिए तो कहीं से भी कभी भी अगर रेवा जी के साथ एक अपॉइंटमेंट कोई भी फिक्स करते हैं तो रेवा जी तुरंत वहां पे पहुंच जाते हैं। जी हां, अगर वो खुद नहीं जा सकते तो स्काइपे के थ्रू भी रेवा जी अपॉइंटमेंट्स जरूर लेते हैं और इसीलिए तो दुनिया के किसी भी प्रांत में अगर आप हो या फिर आपके फैमिली वाले, अगर आप सोच रहे हैं कि डिवाइन वास्तु प्रोडक्ट्स आपको भी लेना है और डिवाइन वास्तु के जरिए आपको भी अपनी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां लाना है, तो देर किस बात की, बस एक छोटा सा अपॉइंटमेंट 5108683338 नंबर पे कॉल कीजिए या फिर आप उन्हें ईमेल करें divineavc@gmail.com। साथ ही साथ जरूर चेकआउट करें divinevastu.net। तो चलिए, अब उस शुभ घड़ी आ चुका है जब आपको पता है कि आपके साथ जुड़ने वाले हैं डिवाइन वास्तु कंसल्टेंट रेवा कुमार। आज का शो बहुत ही स्पेशल है, क्यों? क्योंकि आज दिवाली का बहुत ही स्पेशल शो है और ये जो शो है इसके जरिए आपको बहुत कुछ जानने को तो मिलेगा ही, पर साथ ही साथ मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि रेवा जी हमेशा यही कहती आई है कि दिवाली का टाइम जो है, इस टाइम पे अगर आप कस्टमाइज डिवाइन वास्तु प्रोडक्ट्स लेते हैं तो जिंदगी भर आप उसे याद रखते हैं, क्योंकि खुशियां ही खुशियां और बिजनेस में बढ़ोतरी और कुछ भी अगर आपको चाहिए थ्रू डिवाइन वास्तु देन यू कैन डेफिनेटली गेट इट। तो इस समय को हाथ से जाने मत दीजिए और अब मैं एक भी पल हाथ से नहीं जाने दूंगी, वेलकम करूंगी हमारी बहुत ही प्यारी रेवा कुमार को। रेवा जी, वेलकम टू योर शो डिवाइन वर्ल्ड ऑफ वास्तु। थैंक यू रिनी, नमस्कार। जी हाँ, हमारे लिसनर्स, आपको भी मेरा प्यार भरा नमस्कार। नमस्कार से साथ साथ बहुत ढेर सारी दिवाली की आपको, आपके परिवार को, सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और खास तौर पे दिवाली और वास्तु का तो वैसे ही कहते चोली दामन का संबंध है। बहुत ही सालों से पहले देखो तब भी कितनी घर की सफाई की जाती थी, उसी तरह से अगर हमको कहीं पे भी थोड़ा सा भी अगर वास्तु दोष है तो आप उसको दूर कर सकते हैं दिवाली के समय पे। खास तौर पे हर तरह से, हर तरह की टिप को लेते हुए पॉजिटिव कर सकते हैं, उस नेगेटिविटी को खत्म कर सकते हैं। नेगेटिविटी क्या होता है? डार्कनेस, अंधेरा। जैसे कि अभी हम पहले रितेश जी से भी बात कर रहे थे, पॉजिटिव होती है ग्रोथ, एनर्जी, जहां हमारे को बेस्ट से बेस्ट आगे बढ़ने की जिंदगी में हम सक्सेस पाते हैं। तो इस समय दिवाली के
समय में अगर आप दीपक जलाते हैं, रोशनी करते हैं, तो बिल्कुल सही है कि अंधकार को, मतलब कि नेगेटिविटी को खत्म करके अपनी जिंदगी को पॉजिटिव लेकर जाना, पॉजिटिव एनर्जी को लाना, तभी तो दिवाली का त्यौहार बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए जुड़ जाइए हमारे साथ, ट्राई कीजिए, ट्राई भी नहीं विश्वास कीजिए, अगर आप वास्तु को अपनी जिंदगी में लेकर आते हैं, अपनाते हैं, तो हर तरह से जीवन में ग्रोथ ही ग्रोथ है, प्रॉस्पेरिटी है, अच्छा रिलेशन है, स्ट्रांग रिलेशन होगा, फेम है, नेम है, अच्छी हेल्थ है, एवरीथिंग वी पीपल कैन गेट बाय फॉलोइंग द प्रिंसिपल्स ऑफ वास्तु। रेवा जी, एक बात तो सभी से शेयर करना चाहूंगी, ये जो डिवाइन वास्तु है, ये ऑफकोर्स बहुत सारे आपके लिसनर, हमारे लिसनर है जिन्होंने ऑलरेडी इसका लाभ ले चुके हैं, पर ऐसे और भी बहुत सारे हैं जिन सबके लिए मैं बताना चाहती हूं कि रेवा जी इज हाईली क्वालिफाइड, स्पेशली इन डिवाइन वास्तु टेक्निक्स। और क्या क्या इन्होंने किया है इसको लेके, अगर मैं बैठ जाऊं तो एक शायद शो ही हो जाएगा, पर इतना तो मैं बता ही सकती हूं रेवा जी के कितने सारे अवार्ड आप पा चुके हैं, और वो भी कोई ऐरे गहरे अवार्ड नहीं, यू हैव गॉट अवार्ड फ्रॉम द सेनेटर, फ्रॉम सो मेनी पीपल, एंड आई एम सो प्राउड ऑफ यू। हमारे लिसनर्स भी जब भी सुन है हमेशा कॉल करके यही बोलते हैं कि रेवा जी के बाद जब भी हम सुनते हैं तो लगता है कि जी हाँ, हम भी डिवाइन वर्ल्ड ऑफ वास्तु में आ जाए। तो इसीलिए आप भी एक वास्तु फ्रेंड जरूर बनाना, क्योंकि रेवा जी हमेशा वही कहते हैं। और अब जी हाँ, और तो हम देर नहीं सह सकते, क्योंकि दिवाली टिप्स जो हमको लेना है, तो रेवा जी अपना पिटारा खोल दीजिए और दिवाली के टिप्स को बरसा दीजिए हमारे लिसनर्स के ऊपर। बिल्कुल रिनी, क्योंकि ऑलरेडी हमारा शुरू हो चुका है दिवाली का त्यौहार, आज से है धनतेरस है, धनतेरस की तरफ हम मुड़ चुके हुए हैं। सब लोगों ने काफी लास्ट वीक से, टू वीक से वो लोग कोशिश कर रहे थे, जानना भी चाहते थे, और उन्होंने ब्लॉग्स पे भी जाकर विजिट करके काफी इसको पढ़ा और जानना की कोशिश की, क्योंकि दिवाली के लिए जो मैं आपको टिप्स देती हूँ, दैट इज वेरी गुड। इट इज नॉट ओनली रिलेटेड विद द होम ओनर्स, या सिर्फ हाउस वाइफ्स को ही करना है, या अगर आपके आप टेनेंट्स हैं या आप नहीं कर सकते, इट इज नथिंग लाइक दिस। Each and every person can follow these principles. जैसे कि कहा था हमने, कुछ टिप्स में पॉइंट्स मैं पहले जल्दी से बोलूंगी क्योंकि समय कम होता है। आपको डी क्लटर, डी जंक आपको लास्ट टाइम बताया था, क्लीन इट अप करने के लिए बताया था, सॉल्ट स्प्रे, सॉल्ट वाटर भी कहा गया था, घर की लाइटनिंग के लिए बाकायदा आपको पूरी इंस्ट्रक्शंस दी गई थी, बताया गया, घर को डेकोरेट करने के लिए भी, जहां पे आप तोरण या वंदनवार लगा के अपने डोर के ऊपर में एंट्रेंस पे हैंगिंग्स को लगा के आप उसको भी अच्छा बना सकते हैं, जो आपकी मेन डोर है जिसपे आप रंगोली पे लगा सकते हैं, कोई आपने दरवाजे पे एंट्रेंस पे कहीं पे भी हमारे पास हर्डल्स ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होने, क्योंकि लक्ष्मी जी के आने का समय आ चुका हुआ है, उस लक्ष्मी को आपके घर के अंदर विराजना है, तो अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन होगी, हर्डल्स होगी, ऑब्स्ट्रक्शन मीन्स कि खास तौर पर सभी को कहना चाहती हूं कि अगर आपके घर के बाहर आप देखती हूं कि जूते हैं, कुछ हैं, प्लीज उनको वहां से रिमूव कर दीजिए। अगर आप उन्हें लगाना चाहें तो नॉर्थ वेस्ट की तरफ, ना कि नॉर्थ और ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट की तरफ, एक्सट्रीम नॉर्थ वेस्ट की तरफ में आप रखिए, गैराज अगर नॉर्थ वेस्ट में है, साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट में है, वहां रख सकते हैं, लेकिन अगर गैराज नॉर्थ ईस्ट में है तो वहां जूतों को नहीं रखिए, क्योंकि वो जगह बिल्कुल साफ और खुली चाहिए। आज का दिन, आज आप शाम को सन सेटिंग से पहले पहले सॉल्ट, जो मैं जैसे स्प्रे बोलती हूं, अगर आप रॉक सी सॉल्ट है उसको आप वाटर में थोड़ा सा डिजॉल्व करके मॉपिंग के लिए आज ही कर लीजिए, ताकि आप पांच दिन उसको फिर सॉल्ट वाटर को वहां पे नहीं यूज करेंगे। सॉल्ट वाटर होता है उस नेगेटिविटी को दूर करने के लिए, तो जब आपने उस नेगेटिविटी को मॉप कर दिया, उस गंदगी को साफ कर दिया, तो आज इसका मतलब लक्ष्मी जी का आपके घर आने का समय शुरुआत हो गया। आज से लेके दिवाली तक बहुत ही अच्छे दिन माने जाते हैं, तो इसके लिए आपको तैयारी करना है, तो फिर दोबारा आप मॉप नहीं करेंगे। जैसे कि मैं हमेशा बताती हूं, ब्रूम, झाड़ू, इट्स वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। जैसे अगर आपने लास्ट ईयर ब्रूम लिया या बीच में भी ब्रूम लिया, अगर वो ब्रूम टूट गया है, ना भी टूटा है, पुराना हो चुका है, तो उसको आज सन सेटिंग में धनतेरस की पूजा से पहले पहले उसको आप अपने घर से बाहर ट्रैश कर दीजिए। घर से बाहर ट्रैश करने का मतलब कि आपके जो ट्रैश बिन है वहां नहीं हो, कहीं दूर ट्रैश कर दीजिए उसको। और आज आप नया ब्रूम जरूर लेके आइए, बिकॉज दैट इज रिलेटेड विथ माँ लक्ष्मी। और ब्रूम को कभी भी विजिबल मत होने दीजिए, ब्रूम को कभी भी किचन में नहीं रखिए, साउथ
साउथ ईस्ट में, इसका मतलब कि हमारे पैसे का नुकसान होगा। और साथ में ब्रूम हमेशा लिटाकर रखना चाहिए, खड़ा नहीं होना चाहिए। वी हैव टू अवॉइड साउथ ईस्ट डायरेक्शन एंड इफ देयर इज अ किचन तो भी आप ब्रूम नहीं रखेंगे, चाहे साउथ ईस्ट में किचन है या नहीं है, लेकिन ब्रूम किचन में नहीं रखेंगे। ब्रूम को रखने की सही डायरेक्शन है अगर आपकी तरफ में कहीं पे साउथ वेस्ट में आपके स्टोरेज है, या वेस्ट में कहीं, वेस्ट में रखते हैं तो बहुत ही अच्छा है। अगर चाहे वेस्ट में आपने कहीं भी स्टोर करने की जगह रखी है वहां रख दीजिए, बट इट शुड नेवर बी विजिबल, दैट इज रिलेटेड विद द मनी। उसको आप आज ही लेकर आइए। आज के लिए धनतेरस के लिए पिछले दो दिन से ऑन एयर चल रही है हमारी, खासकर बिजनेसमैन के लिए भी और घर के लिए भी आपको जो चाहिए मेजर सबसे कि हाउ टू एनहेंस द वेल्थ फ्लो, जिसके लिए आपको बताया गया है कि $100 का बिल मैंने आपसे बताया। मैं एक बार फिर रिपीट करना चाहूंगी, जो नए लिसनर्स हैं या जिनको नहीं है वो मेरे ब्लॉग्स पर भी जा सकते हैं। ब्लॉग पे विजिट करिए divinevastu.net पे, दिवाली 2013 पे जाइए, वहां पर स्पेशल वी हैव मेंशन। अगर आप पढ़ेंगे तो आपको सारा इन्फॉर्मेशन मिलेगा। आज आपको क्या करना है, $100 का नया बिल ले लीजिए, सिल्वर बाउल लीजिए, उसके अंदर में चार आप क्वाइंस लेंगे लक्ष्मी गणेशा जी के, एक क्वाइन को सिल्वर बाउल में विथ वाटर पानी से भर के उसमें एक सिल्वर क्वाइन रख दीजिए, तीन क्वाइंस को किसी रेड पाउच में डाल के आप उसके साथ में स्टिक कर दीजिए बाउल के साथ, बाउल चाहे सिल्वर का हो, मेटल का हो या कॉपर का। अब आपको क्या करना है लिसनर्स, नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट, जहां पर आपको पूरी विंडो रोशनी आती है, लाइट आती है, अपने घर के उस जगह पे घर के अंदर $100 का बिल रखकर उसके ऊपर में ये बाउल रख दीजिए, पूरी एनर्जी आने दीजिए। अगर आप सोचते हैं कि आपकी उस डायरेक्शन में विंडो नहीं है, वॉल है, तो नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट पर आप एक बड़ा सा स्क्वेयर या रेक्टेंगल मिरर लगा दीजिए, लेट इट रिफ्लेक्ट इट दैट टू ग्रो द मनी। पांच दिन तक ये वहीं पे रहेगा। जिस दिन आप दिवाली के पांच, अगर आप आज धनतेरस कर रहे हैं तो इट विल बी ऑन ओवर ऑन November 4th इवनिंग। कुछ लोग कल धनतेरस कर रहे हैं, मंडे पहली का संडे का दिवाली कर रहे हैं, तो ये फोर्थ को फिफ्थ को खत्म होती है, तो उसके मुताबिक उस शाम को उस क्वाइन को, उस बिल को रेड पाउच में डाल के अपने लॉकर, अपने मनी की जगह पे रखिए। और जो आपका पानी है उसको घर के अंदर किसी टॉयलेट में नहीं डालेंगे, घर के किसी प्लांट में ही डालिए, घर के बाहर नहीं। ये रेमेडी हमने लास्ट ईयर भी दी थी, लेकिन उसके बीच में हमने $100 का बिल नहीं रखा था क्योंकि इस बार एलिमेंट चेंज हो रहा है 2013 के हिसाब से। लेकिन जो लास्ट ईयर के क्वाइंस थे उनको आप नहीं यूज करेंगे, वो आपके पैसे की जगह पे ही रहेंगे, उसको आप ग्रो कर रहे हैं, मींस वी हैव टू ग्रो आवर मनी। उनको आज आप पूजा की जगह पे नहीं रखने के, वैसे पूजा की जगह पे रखिए, लेकिन जो सिल्वर बाउल है उसके लिए आपको न्यू फ्रेश क्वाइंस ही लेने हैं। पिछले क्वाइंस को आप नहीं यूज करेंगे, पिछले क्वाइंस आप पूजा के लिए निकालिए, पूजा करने के बाद में उसको आप अपने स्थान पर रख दीजिए। दिस वी हैव टू कीप इन माइंड। जितना भी हो सके किसी भी डिवोशनल म्यूजिक को जरूर लगाइए, क्योंकि उससे स्पेस को भी बहुत जगह मिलती है, स्पेस एलिमेंट हमारा इन्हेंस होता है अगर आप लगाएंगे। एयर एलिमेंट को करने के लिए आप अगरबत्ती का ज्यादा से ज्यादा या कोई भी आप स्टिक ले सकते हैं, जिसको भी यूज करना चाहिए वो कर लीजिए। रंगोली इज वेरी गुड, अगर आप रंगोली लगाते हैं, करना चाहिए जरूर उसको, तो रंगोली के बीच में आपको जो मैंने कलर्स के बारे में कई बार बात किया, आप 5 कलर्स जरूर देंगे, जिसके बीच में आप रंगोली में ब्लू कलर, रेड कलर, ग्रीन कलर, साथ में आप वायलेट कलर दे सकते हैं, ग्रे कलर और व्हाइट कलर। आप इस कलर्स को जरूर जगह लेके आइए। ये पांचों कलर हमारे एलिमेंट से रिलेटेड हैं, एयर, वाटर, अर्थ, फायर एंड स्पेस। नेक्स्ट है जो आपको हमको दिया करना है, मिट्टी का दिया जो आपको करना है, वो आपको गणेशा जी के लिए भी जरूर निकालना है, लक्ष्मी जी के लिए निकालना है, कुबेरा जी के लिए निकालना है, सरस्वती के लिए निकालना है और विष्णु जी के लिए भी निकालना है। इन सबको इकट्ठा लीजिए, आप इनको सेपरेट नहीं कीजिए। जैसे आपका परिवार, आप अपने परिवार में ग्रोथ करना चाहते हैं, उसी तरह इसका भी सारे परिवार के साथ होना बहुत ही जरूर है। नेक्स्ट, दिस इज वेरी वेरी सिंपल टिप्स है, लेकिन कई बार हम नहीं लगते, खासतौर पे जो पूजा या भगवान जी की जो भी पिक्चर साफ करते हैं एडल को, तो कोई भी पुराने कपड़े का यूज मत कीजिए। अगर आप कलश जो हम वाटर में डाल के रखेंगे, इट हैज टू बी इन द नॉर्थ डायरेक्शन या नॉर्थ ईस्ट में ही रखिए आप इसको। भगवान जी का चेहरा कभी भी दरवाजे की तरफ नहीं पॉइंट टिकनी करना चाहिए, मीन्स
अगर वो दरवाजे की तरफ कर रहे हैं तो इसका मतलब कि आपका जो पीठ है वो भी दरवाजा या खिड़की की तरफ हो रहा है. इट शुड नॉट बी लाइक दिस. साथ ही साथ में नॉर्थ ईस्ट के बीच में आप जहां पूजा स्थान बनाए लाइट पिंक कलर दीजिए. ज्यादा डार्क रेड कलर बिल्कुल भी मत दीजिए, उसको अवॉइड करने की कोशिश करिए. लक्ष्मी जी को लाल रंग के वस्त्र चढ़ाइए, लेकिन जो पूरे कमरे में पूरा रेड पेंट कर देते हैं, इट शुड नॉट बी, वैसे नहीं होना चाहिए. नेक्स्ट मैं आपको बता रही हूँ जो डायरेक्शंस हमारे को आपको देनी है, वो डायरेक्शंस भी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं. गणेशा जी शुड ऑलवेज बी ऑन द लेफ्ट ऑफ द लक्ष्मी एंड लक्ष्मी जी शुड बी ऑलवेज ऑन द लेफ्ट ऑफ द विष्णु जी. इसलिए क्योंकि लक्ष्मी विष्णु जी की पत्नी है, वो विष्णु जी के लेफ्ट में बिठाएंगे और गणेशा जी उनके लेफ्ट में होंगे लक्ष्मी जी के, क्योंकि लक्ष्मी जी उनकी माँ है. और कुबेर को आप किसी भी साइड में कर सकते हैं, लेफ्ट में करें तो भी अच्छा है, दैट इज गुड, राइट, जैसे कि गणेशा जी के साथ कर सकते हैं. लक्ष्मी जी और गणेशा जी को आप कुमकुम, चंदन, राइस, फ्लावर्स, स्वीट्स, ये पांचों एलिमेंट्स के साथ में आते हैं. दिस इज जैसे भी आप देना चाहें इनको जरूर से जरूर दीजिए. देन यू हैव टू काउंट योर ब्लेसिंग्स ऑल्सो. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. आपको काउंट योर ब्लेसिंग्स मीन्स कि अकॉर्डिंग टू वास्तु प्रिंसिपल्स राइट डाउन योर वेल्थ एस्पिरेशन. कोई भी जैसे भी आपकी वेल्थ एस्पायरेशंस हैं उसको आप एक कागज पे रेड पेन के साथ लिखिए और उसके साथ में क्या करेंगे, थ्री किसी भी क्वाइंस को, कोई भी, चाहे कॉपर का हो जाए चाहे कोई भी मेटल का, उसको डाल के उसको रैप करके लाल रंग के किसी भी कपड़े में लपेट कर आपका नॉर्थ में जहां पर आप पूजा वाली जगह के ऊपर में आपने पानी का कलश भर के रखा है उसके पास रख दीजिए ताकि आप पूजा करें. पांच दिन के बाद में उसको आप अपने पैसे की स्थान पे जगह के ऊपर में रख दीजिए. सेंटर, आपको सेंटर घर का ब्रह्म स्थान बहुत ही साफ होना चाहिए. कोशिश करिए जितना नीट और क्लीन हो, खासकर वहां पे सेंटर स्थान पे आप पांच दिए या पांच मोमबत्ती जरूर से जरूर सनसेटिंग से पहले लगाइए. सेंटर पार्ट ऑफ योर हाउस, जिस समय आप दिया करें, मेरी आप सबसे एडवाइज है हमारी सारी पांचों डायरेक्शंस को साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और सेंटर हमारा आ जाता है ब्रह्मस्थान, सब जगह के ऊपर में एक एक दिया आप अपने घर पे जरूर से जरूर आज से लेके दिवाली तक जरूर जलाइए. पांच दिए पूरे हो जाएंगे और उसके बाद में घर की किचन में जहां वाटर सिंक है, डोंट फॉरगेट टू कीप अ दिया ओवर देयर. वहां पर दिया रखना बिल्कुल मत भूलिए, खासकर किचन में. इवन की लाइट्स भी जितनी भी ज्यादा से ज्यादा जलाएंगे, दैट इज ऑल्सो गुड. नेक्स्ट आ जाता है जहां पर आपकी किचन और आप अपना लक्ष्मी जी को स्थान दे रहे हैं वहां पर. रीनी मेरी शक्ल देख रही है कि देवा जी बोली जा रही हैं और कॉल्स बज रही हैं. कॉलर्स माफी चाहती हूं, ये भी बहुत जरूरी है, लेकिन कॉल्स आपकी लूंगी. तो नेक्स्ट मिरर लगाना मत भूलिए. जहां पर आप अपने पूजा का स्थान बनाएंगे तो नॉर्थ या ईस्ट वॉल पे मिरर लगाइए, दैट इज ऑल्सो गुड, वेरी इंपॉर्टेंट. मंगल दीपक आप जरूर से जरूर तैयार करिए घर के सेंटर हाउस के लिए, जो फाइव एलिमेंट से पंच तत्व जिसको कहते हैं उससे रिलेटेड है. आपको कैसे लेना है मंगल दीपक, एक ब्रॉड ग्लास का, एक शीशे का ग्लास बाउल होता है वो ले लीजिए, उसके बीच में एक ग्लास का टम्बलर जिसको कहते हैं ना टम्बलर अपसाइड डाउन इन इट, मतलब कि अपसाइड जो होता है उसका ऊपर का नीचे की तरफ हो, उसके बीच में नाउ यू हैव टू पुट सम ग्लास मार्बल्स और स्टोन्स उसके रख दीजिए एंड फिल द बाउल विथ वाटर, उसको पूरे से भर दीजिए. स्प्रिंकल सम फ्लावर पेटल्स इन द बाउल एंड लाइट फाइव फ्लोटिंग दियाज इन इट, दैट इज द मंगल दीपक फॉर द सेंटर ऑफ योर हाउस टू गिव यू मोर ग्रोथ. कलरफुल क्लोथ्स पहनी, पांचों कलर्स को लेके चलिए, मैं तो यही एडवाइस करती हूँ. अवॉइड ब्लैक, ब्लैक यू शुड नॉट वेयर एट द टाइम ऑफ दिवाली पूजन. जाते जाते छोटी सी मिसलेनियस टिप्स है कि अगर आपने कुछ भी अननेसेसरी लोन्स देना है, कुछ भी पे ऑफ करना है, तो एटलीस्ट आपने कल ट्यूसडे को तो कर ही दिया होगा, अब आप ट्यूसडे को पे कीजिए. और अपने ऑर्नामेंट्स, ज्वेलरी को, खासकर गोल्ड और सिल्वर को, प्रीशियस स्टोन को जरूर क्लियर करिए. डू नॉट गिव फायर क्रैकर्स इन द शेप ऑफ द गिफ्ट टू द फ्रेंड्स और नियर वंस, इट इज नॉट गुड फॉर देम एंड द गिवर्स ऑल्सो. डू नॉट गिव लेदर एंड नाइव्स एंड से लाइक इन द गिफ्ट, बिकॉज इन सर्टेन कटलरी आइटम्स नाइव्स आर देयर, इट इज नॉट ऑस्पिशियस फॉर बोथ गिवर एंड टेकर्स, बिकॉज दिस इज द फेस्टिवल ऑफ टाइज एंड love when knives work for
cutting. So it affects the relationship and or the health also. And the leather items are made of the dead animal's skin and hence not treated to be auspicious. So we used to infuse lively spirits in each other. We have to give the encouraging life to the people belong to us in any way. That is so awesome, Reva ji. मैं सुनते सुनते पता नहीं मैं खो ही गई थी, पर क्योंकि ये दिवाली का अवसर है, सभी को यही कहना चाहती हूँ आफ्टर लिसनिंग टू ऑल दिस डिवाइन वास्तु टिप्स. एक्चुअली रिनी, दीज वास्तु टिप्स आर बेसिकली ए वे टू मेक योर दिवाली सेलिब्रेशन एज स्पीशियस एज पॉसिबल एंड वुड सर्टनली कंट्रीब्यूट टूवर्ड्स, आप कह सकते हैं, ब्रिंगिंग पॉजिटिविटी इन योर हाउस होल्ड और बिजनेस, गुड हेल्थ, वेल्थ एंड ओवरऑल प्रोस्पेरिटी टू ऑल नाउ एंड फॉर एवर. डेफिनेटली यही कहना चाहती हूँ दिवाली के अवसर पे कि मुस्कुराते हंसते दीप तुम जलाना, जीवन में नई खुशियों को लाना, दुख दर्द अपने भूल कर डिवाइन वास्तु टिप्स को अपने गले लगाना. That's great. तो चलिए इसी के साथ ही साथ टेलीफोन लाइन्स विल बी ओपन फॉर यू. जी हाँ, 5107701550. आप लोग बहुत देर से कॉल कर रहे थे पर मैं तो खो ही चुकी थी ये डिवाइन वास्तु टिप्स लेने के चक्कर में. आप भी तो वही कर रहे थे, तो अभी टाइम है, आप कॉल कर सकते हैं. डिवाइन वास्तु के रिलेटेड सवाल आप रीवा जी से पूछ सकते हैं. 5107701550 है हमारा नंबर. स्टूडियो लाइन्स आर ओपन फॉर यू एंड रेवा कुमार द डिवाइन वास्तु कंसल्टेंट इज राइट हियर टू आंसर ऑल ऑफ योर डिवाइन वास्तु रिलेटेड कॉल्स. तब तक मैं आपको बताऊं कि अगर आप रेवा जी के साथ एक पर्सनल अपॉइंटमेंट फिक्स करना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए. ऑफकोर्स एक फोन नंबर ले लीजिए 5108683338 एंड फिक्स योर अपॉइंटमेंट. फिलहाल लेते हैं एक कॉलर. हेलो, यूर ऑन एयर विथ रेवा कुमार. हेलो, यूर ऑन एयर विथ रेवा जी. हेलो, यूर ऑन एयर विथ रेवा जी. हेलो, यस, गो अहेड मैम. हाय रीनी और रेवा जी, आप दोनों को दिवाली की खूब शुभकामनाएं. आपको भी बहुत बहुत दिवाली की मुबारक हो. हाँ, एक्चुअली मुझे अपने घर के लिए क्वेश्चंस थे बहुत सारे. एक सवाल प्लीज. आप एक काम करिएगा, आप अपने अपने सारे सवाल ईमेल करिए. हेलो, हाँ जी बताइए. हाँ, तो मेरा एक्चुअली मेन डोर एंट्रेंस है, ये है नॉर्थ वेस्ट. जी हाँ. और किचन मेरा नॉर्थ ईस्ट में है. जी. और मेरा जो नीचे का रूम, मतलब उसके बिल्कुल किचन के ऊपर ही बाथरूम है. जी. और ये जो स्टेयरकेस है उसके नीचे भी बाथरूम है एक. हाँ, तो और साउथ ईस्ट में मेरा गैराज है. जी. तो ये सब मुझे, मतलब मैं सुनती रहती हूँ तो मैंने देखा तो शायद ये सब चीजें अच्छी नहीं होती. राइट. देखिए, आपने ये सुना कि ये अच्छी नहीं होती, पहले आप ये बताइए मेरे को कि अगर हम नॉर्थ ईस्ट में, जैसे कि आप बता रही हैं कि आपका किचन भी है नॉर्थ ईस्ट में, बाथरूम भी है, स्टेयर्स के नीचे भी है, ऊपर भी है, तो आप कब से इस घर में रह रही हैं? अभी जस्ट मूव हुए हैं. क्योंकि इस तरह के घर लेकर आते हैं नॉर्थ वेस्ट, अगर इसकी एंट्रेंस है, ऐसा नहीं है, अगर आप अभी मूव हुए हैं तो गॉड ब्लेस यू. आप बिल्कुल भी, आई एम नॉट स्केयरिंग यू माय डियर, और आप बिल्कुल नेगेटिव भी अपने आपको मत लेके चलिएगा. वी आर हैविंग सॉल्यूशंस. बस इतना कहना चाहती हूँ कि इसको हम रेक्टिफाई कर सकते हैं. नॉर्थ ईस्ट में जो बाथरूम है और साथ में नॉर्थ ईस्ट में किचन है, ये फीमेल्स की, घर की फीमेल्स को थोड़ा स्ट्रेस लेकर आती है, प्रॉब्लम्स लेके आती है. कई बार हेल्थ इश्यूज आ जाते हैं, जॉब पे आ जाता है, खासकर पेरेंट्स की तरफ से थोड़ा सा, फैमिली की तरफ से किसी किस्म का स्ट्रेस आ जाता है. हाँ, स्ट्रेस के नीचे बाथरूम है, दैट इज नॉट एडवाइजेबल. तो मैं आपसे यही एडवाइज करूंगी कि अगर आप शो के बाद में कॉल मी बैक, और या अगर आप चाहें तो लेट मी कम एंड विजिट योर प्लेस, ताकि मैं इसको आपको प्रॉपर डायरेक्शंस के हिसाब से रेमेडीज दे सकूं. क्योंकि दिस इज नॉट ए सिंपल क्वेश्चन, और इनका रिजल्ट्स कई बार हमारे को नेगेटिव मिलते हैं शुरू के 21 महीने में, पांचवा साल, सातवां साल, ऐसे घर कई बार स्ट्रेस लेकर आ जाते हैं. अच्छा,
तो मतलब ठीक है, फिर मैं आपको शो के बाद कॉल करूंगी। शो के बाद कॉल करिए। तो अभी कुछ नहीं, हाँ अभी कुछ नहीं कर सकते क्या? अभी जस्ट्रो पे अगर आप रेमेडी के लिए चाहती हैं, दिवाली का समय है, ऐसी कोई बात नहीं है, गायत्री मंत्र सुबह शाम जरूर लगाइए। लेकिन आपके घर की जहां नॉर्थ ईस्ट किचन है, किचन में खड़े होकर देखिए, आपको जहां भी नॉर्थ डायरेक्शन मिल रहा है, वहां पर किसी जार के अंदर में जो साबुत धनिया नहीं होता, कोरिएंडर बोलते हैं हम, सीड्स, साबुत वाला धनिया होता है, उसको जार में बंद करके आप नॉर्थ की तरफ रख दीजिए। अच्छा, नॉर्थ की तरफ, ठीक है। नॉर्थ की तरफ आप ये रख दीजिए, और ऊपर का जहां नॉर्थ ईस्ट में बाथरूम आ रहा है, उस बाथरूम में आप उसको जितना नीट एंड क्लीन रख सकती हैं, बहुत अच्छा है वहां पे। उस बाथरूम में, पर्टिकुलर बाथरूम के बाहर, अगर आपको पूरा नॉर्थ के ऊपर में कहीं लाइट नजर आता तो ब्लू कलर का नाइट बल्ब लगा दीजिए वहां पे, बाथरूम के अंदर। अच्छा, नहीं, बाथरूम के बाहर नाइट बल्ब लगा दीजिए। और जो स्टेयर्स के नीचे बाथरूम आ रहा है, उसको बेहतर है कि आप ना ही यूज करें, वहां पे व्हाइट लाइट लगा के भी बंद कर दीजिए। फिर दिवाली के बाद में देखेंगे हम उसको कैसे रेक्टिफाई कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। लेते हैं अगले कॉलर। हेलो, यू आर ऑन एयर विद रीवा कुमार। नमस्ते रीवा जी, दिस इज शिवानी। नमस्कार शिवानी जी, गॉड ब्लेस यू, विश यू हैप्पी दिवाली। सेम टू यू। आपका शो बहुत अच्छा, इतना सारा आपने टिप्स दिया है, आई एम जस्ट लाइक फिर से पूरा रिकॉर्डिंग सुनना पड़ेगा। नहीं, ऐसी सुनने की जरूरत नहीं है बच्चे, आप जाइए मेरी वेबसाइट पे विजिट करिए, ब्लॉग्स पे divinevastu.net पे ब्लॉग्स मिलेंगे, वहां पर दिवाली 2013 में आपको सब डिटेल्स मिलेंगी। ओके, दैट इज गुड। मेरा एक क्वेश्चन था रेबा जी, आपने जो रिचार्ज मनी इनफ्लो वाला जो बताया है जी, उसमें जो जो आपने फोर क्वाइंस बोले हैं, वो चारों क्वाइन लाइक लक्ष्मी एंड गणेश भगवान के होने चाहिए, ओनली वन इज? नहीं, चारों ही लक्ष्मी गणेशा जी के होने चाहिए और नए होने चाहिए। हमारे जो घर में पहले के पड़े थे उनको नहीं, वो हमारी ग्रो करने के लिए, वो हमारी सेविंग हो चुका है, अब इनको करके इनको इन्हेंस करेंगे। ओके ओके जी, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। लेते अगले कॉलर। हेलो, यू ऑन एयर, प्लीज अपना रेडियो का वॉल्यूम डाउन कर दीजिए। हेलो 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 जी, लेते अगले कॉलर। हेलो, यू ऑन एयर, डू यू हैव अ क्वेश्चन फॉर रीवा जी? प्लीज अपना रेडियो बंद कर दीजिए। जी हाँ, पूछिए। हेलो, I'm really sorry, we can't hear you. Hello, you're on air. Do you have a question for Reva ji? हाँ जी, पहले तो दिवाली के लिए शुभकामनाएं आप दोनों के लिए। थैंक यू सो मच, आपको भी बहुत। मैं रेवा जी से पूछना चाहती थी, रेवा जी मैं आपसे पहले भी सलाह ले चुकी हूँ और थैंक यू वेरी मच। मेरा जो घर है, फ्रंट डोर नॉर्थ फेसिंग है, स्विमिंग पूल है साउथ में, तो आपकी सलाह से हम घर ढूंढ रहे हैं। जी हेलो, आई थिंक कॉल ड्रॉप, आई थिंक वी हैव जस्ट लॉस्ट यू। अगर आप रेडियो सुन रही है इस वक्त तो प्लीज हमें दोबारा से कॉल कीजिए। 5107701550 है हमारा नंबर। अगर आप रीवा जी के साथ एक पर्सनल अपॉइंटमेंट फिक्स करना चाहते हैं तो नंबर है 5108683338। लेते हैं अगले कॉलर। हेलो, यू आर ऑन एयर विथ रीवा कुमार। हाँ जी, मैंने कॉल किया, कॉल खराब हो गया, मैंने दोबारा कॉल किया। मेरा नाम प्रेम है जी, तो मैं अपने बारे में पूछना है क्या चल रहा है जिंदगी में। प्रेम जी, पहले तो आपको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर आप पर्सनल जानकारी चाहते हैं तो इंडिविजुअल, जिसको हम बोलते हैं जो रिलेटेड होती है न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी से, उसमें आपकी मदद करेंगे रितेश कुमार जी। हाँ, अगर आप पूरी जानकारी अपने घर की डायरेक्शन बिजनेस से लेना चाहते हैं तो मैं आपका सवाल का जवाब दे पाऊंगी। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल प्रेम जी। लेते हैं अगले कॉलर। हेलो, यू आर ऑन एयर विथ रीवा कुमार। सॉरी, हाँ नमस्ते, मेरा कॉल ड्रॉप हो गया था, सॉरी अबाउट दैट। जी हाँ, आप दोनों को दिवाली के लिए शुभकामनाएं। जी आपको भी। तो मैं पहले भी रेवा जी से बात कर चुकी हूँ, क्योंकि मेरा घर जो है नॉर्थ फेसिंग है और स्विमिंग पूल साउथ में है जी। तो ये आपने बताया था कि अच्छा नहीं है, और 2005 में 5 साल घर लेने के बाद बहुत ही कठिन समय से हम गुजरे हैं जी। जी, तो मैं यही पूछना चाहती थी रेवा जी, हम तो घर ढूंढ रहे हैं, दूसरा घर ढूंढ रहे हैं, मगर आपको तो मालूम है कि दूसरा घर मिलना इतना आसान नहीं है बे एरिया में जी। तो तब तक के लिए हम क्या कर सकते हैं कि
ये स्विमिंग पूल के इफेक्ट जो है थोड़ा कम करें, क्या कर सकते हैं इन द मीन टाइम? क्या ये पॉसिबल है कि आप स्विमिंग पूल बंद कर सकती हैं? बंद मतलब कि इसमें से पानी हटा दीजिए, बंद स्विमिंग पूल बंद करने के लिए तो यू नो काफी बड़ा प्रोजेक्ट है वो। ओके तो स्विमिंग पूल के सराउंडिंग पूल फेंस तो लगाया है हमने, मगर वो ट्रांसपेरेंट फेंस है। ओके और साउथ में है स्विमिंग पूल। तब तक के लिए आप एक काम कीजिए, आप जो स्विमिंग पूल है अगर आप उसके ऊपर में अगर अपने जाती हैं उसको डिवाइन टेक्निक से अगर कट ऑफ करना चाहती हैं तो आप पूरी हमसे हेल्प ले सकती हैं। कहीं पे आप सोचते हैं कि नहीं मुझे अभी डिवाइन टेक्निक्स को नहीं लगवाना, आप खुद ही कुछ करना चाहती हैं, तो एटलीस्ट उसके कॉपर वायर से उसको थोड़ी देर के लिए कट ऑफ जरूर कर दीजिए। कॉपर वायर कहाँ से लगाना है? बिल्कुल मिरर सॉरी स्विमिंग पूल के चारों तरफ। चारों तरफ कॉपर वायर? तो कॉपर वायर किसी भी दुकान से लेके उसको? हाँ किसी आपको कॉपर वायर लगाना है? हाँ जी कॉपर वायर लगा दीजिए हार्डवेयर की दुकान से, ताकि उतने एरिया को कट ऑफ कर दीजिए। उससे ये हो जाएगा कि आपको कुछ रिलीफ थोड़ा मिल जाएगा, मैं ये नहीं कह रही कि आपको पूरा मिलेगा, थोड़ा रिलीफ मिल जाएगा। पिरामिड से हम पूरा रिलीफ लाने की कोशिश करते हैं, पिरामिड से भी बेस्ट होता है, हम उस एनर्जी को वहां से शिफ्ट कर देते हैं जब पिरामिड्स लगाते हैं, एनर्जी शिफ्ट उसको बोलते हैं। उसकी सही जगह जाइए हमारे को नॉर्थ ईस्ट में, तो वो साउथ की तरफ से हम उसको शिफ्ट कर देते हैं बिना तोड़े फड़े, फिजिकली उसको रिमूव किए बिना एनर्जी से। अगर आप वो लेना नहीं चाहें तो फिलहाल आपको यही मैं एडवाइस करूंगी कि आप कॉपर वायर चारों तरफ से लगा दीजिए, ताकि उसकी कुछ नेगेटिविटी से कह देना बहुत बड़ी से थोड़े में तो बच जाएं। तो घर तो ढूंढ रहे हैं, और आप बर्थ डेट से पता लगा सकते हैं, हम ये बता सकते हैं कि कैसा कौन सा दिशा में घर अच्छा रहेगा हमारे लिए? जी बिल्कुल, आप मुझे ईमेल करिएगा अपना डेट ऑफ बर्थ, अपने हस्बैंड जी का डेट ऑफ बर्थ, मैं डेफिनेटली बताऊंगी विच डायरेक्शन इज फेवरेबल फॉर यू। थैंक यू वेरी मच रेवा जी। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। लेते हैं अगले कॉलर। हेलो यूर ऑन एयर विथ रेवा कुमार। हेलो, मेरा क्वेश्चन है जो अभी रेवा जी ने कॉइन्स का रेमेडी बताया था, वो हम नॉर्थ डायरेक्शन में रख सकते हैं क्या वो बाउल बैकयार्ड में? और जो उसके ऊपर जो $100 रखने के लिए बोला है वो एग्जैक्टली कहाँ रखना है, लाइक ऊपर रखना है नीचे रखना है? वो आपको $100 जो रखना है बिल रखना है वो बाउल के नीचे रखना है, उसके ऊपर बाउल रखेंगे और आप बिल्कुल नॉर्थ ही डायरेक्शन में रखेंगे इसको। हम बाहर रख सकते हैं बैकयार्ड में? जी नहीं, घर के अंदर जहां से आपको नॉर्थ का बैकयार्ड का दरवाजा जा रहा है नॉर्थ की तरफ का, आप अंदर की तरफ रखिए ना कि बाहर की तरफ। पैसा आपको अपने घर पे रखना है, ग्रोथ आपको अपने घर में करनी है ना कि बाहर। ओके थैंक यू। थैंक यू सो मच, आई होप यू गॉट योर आंसर। लेते अगले कॉलर। हेलो यू ऑन एयर विथ रेवा कुमार। हेलो जी। यस गो अहेड मैम। हेलो नमस्ते रेवा जी एंड रिने, एंड वेरी हैप्पी दिवाली टू बोथ ऑफ यू। थैंक यू डियर, सेम टू यू, गॉड ब्लेस यू। मैंने आपसे ये पूछा रेवा जी, आप बोल रहे कि नए कॉइन्स लेने, मैं इतनी छोटी जगह में रहती हूँ तो नए कॉइन सिल्वर कॉइन नहीं मिल सकते, तो उसके लिए कोई सब्स्टिट्यूट? नए कॉइन नहीं मिल सकते हैं मतलब कि डिस्टेंस पे रहती हैं, कोई ला नहीं सकता या कैसे? मैं समझ रही छोटी जगह का नहीं, मैं मतलब इट्स अ वेरी स्मॉल प्लेस, तो वहाँ पे कोई ज्वेलर नहीं है इंडियन ज्वेलर के सिल्वर कॉइन में ले सकूँ उनसे, लक्ष्मी गणेश वाले। अच्छा, क्या आप कुछ ऐसी ले सकती हैं कि व्हाइट कलर का या सिल्वर? आप एक काम करिए, अगर आप ये नहीं ले सकते हैं, हल्दी की गांठ है आपके पास ले सकती हैं कि वो भी इंडियन स्टोर से मिलेगा कि नहीं? आपको पास में है इंडियन स्टोर? अब वो भी नहीं, वो भी मुश्किल है क्योंकि हमारे यहाँ से मतलब काफी दूर पे एक इंडियन स्टोर है, तो कभी पान के पत्ते पूजा के लिए वो भी मुश्किल से मिलते हैं, तो मुझे लगता नहीं हल्दी की गांठ भी मिल पाएगी, इसलिए मैंने आपसे पूछ ली कि कोई सब्स्टिट्यूट इंस्टेड ऑफ सिल्वर कॉइन्स या कुछ ऐसा। अच्छा, बिल्कुल परेशान नहीं हुई, आप एक काम कीजिए, घर पे आपके पास में डॉलर तो होता ही है ना जी? आप जो 25 सेंट वो आपके पास में है मेटल का पेनीज है ना, क्वार्टर्स होते हैं, क्वार्टर्स है ना, आप चार क्वार्टर्स ले लीजिए। हाँ जी ठीक है, हाँ जी चार क्वार्टर्स ले लीजिएगा, तो आप एक क्वार्टर को बीच में करके जो तीन क्वार्टर्स हैं उसको जब रेड पाउच में डालेंगे तो आप लक्ष्मी गणेश जी की छोटी सी पिक्चर निकालिए, इमेज। हाँ जी ओके, वो उसके साथ रख दीजिए।
ओके थैंक यू सो मच रेवा जी। ऐसा कहीं नहीं है, आपकी श्रद्धा होनी चाहिए। लक्ष्मी गणेश जी की पिक्चर छोटे वाले जो तीन क्वार्टर्स हैं उसके साथ रख दीजिए, एक क्वार्टर जो बीच में रख रहे हैं उसमें लक्ष्मी गणेश जी की पिक्चर नहीं रखकर सिर्फ क्वार्टर को रख दीजिए। फिर जब इसको उठाएंगे आप, हाँ जी, तो फिर सारी चीजें इकट्ठी कर दीजिएगा, ठीक है? हाँ जी, सिर्फ इकट्ठी करके क्या करना है? अपने पैसे वाली जगह पर रखिए, लॉकर में रखिए, ताकि आते साल तक और भी मनी खूब ग्रो हो जाए। पहले एडवांस लेके रख लेना इस बार सिल्वर कॉइन जब भी कहीं जाएं तो। अच्छा, हाँ जी ओके थैंक यू रेवा जी, यू आर वेलकम, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। लेते अगले कॉलर। हेलो, यू आर नियर विथ रेवा कुमार। हाँ जी नमस्ते। नमस्ते जी। मुझे एक क्वेश्चन आस्क करना था। हम अभी घर ले रहे हैं और उसका घर का जो किचन है वो साउथ वेस्ट में पड़ता है, तो क्या ये सही है? देखिए, अगर आप ले रहे हैं, मेरे से पूछते हैं सही है, तो मैं कभी नहीं कहूंगी कि हाँ, क्योंकि साउथ वेस्ट में अगर किचन होता है तो वो हमारी सारी एनर्जी को, हमारी ग्रोथ को खत्म करनी शुरू कर देता है, एंड दैट एरिया इज रिलेटेड विद द मेल मेंबर ऑफ द फैमिली। लेकिन उसको आप बकायदा अगर ले लेते हैं तो आप उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं हमारी डिवाइन टेक्निक से, जिसको आप उसका पूरा फायदा उठाएंगे। आप कुछ टिप्स देंगे इसके लिए? उसके लिए ये है कि जब आप घर ले लें, आप तब बताइए, उसमें हम ये भी देखेंगे कि साउथ ईस्ट में क्या है, क्योंकि किचन को मुझे शिफ्ट करना है। अगर आपका साउथ ईस्ट में बेडरूम है, मैं इसको वहां पे शिफ्ट कर दूंगी तो रेमेडी से गलत असर मिलेगा आपको। लेने के बाद में मुझे सब कुछ जानना है कि किस डायरेक्शन में घर फेस कर रहा है, साउथ ईस्ट में क्या है, ताकि मैं साउथ वेस्ट को शिफ्ट करूं। तो घर तो ईस्ट में फेस कर रहा है, घर टूवर्ड्स ईस्ट साइड में है, और साउथ ईस्ट में हमारा गैराज है और क्या है, लॉन्ड्री रूम पड़ता है और अपस्टेयर्स रूम पड़ता है, बेडरूम्स है जी। आप ऊपर, उसके ऊपर में साउथ ईस्ट में बेडरूम है, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग, अगर ऊपर होगा तो फिर आपके ऊपर में टेम्परामेंट आपका काफी हाई हो जाएगा, पर्सनल रिलेशंस में झगड़ा शुरू हो जाता है। तो उसके लिए आप एनर्जी शिफ्ट की रेमेडीज के लिए आप पूरी हेल्प ले सकते, आप हमें शो के बाद कॉल करें। इफ यू वांट यू कैन स्केड्यूल विथ मी, लेट मी विजिट योर प्लेस टू फाइंड आउट द। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। और जब आपने एक बार बात छेड़ ही दिया है अबाउट अपॉइंटमेंट, बहुत सारे हमारे लिसनर्स होते हैं जो अपॉइंटमेंट करना चाहते हैं आपके साथ, तो क्यों ना मैं सभी को बताऊं कि अगर आप रेवा जी के साथ एक पर्सनल अपॉइंटमेंट फिक्स करना चाहते हैं तो नंबर है 5108683338, या फिर आप उन्हें ईमेल करें divineavc@gmail.com, या फिर जरूर चेकआउट करें divinevastu.in। वेल रेवा जी, ये बात भी सही है कि सब जो हमारे लिसनर्स है वो यहाँ पे टिप्स तो ले ही लेते हैं, पर काफी सारे लिसनर्स जो आपके साथ अपॉइंटमेंट फिक्स करते हैं उन्होंने बाद में कहा है कि यू नो इट इज सो डिफरेंट, क्योंकि आप जब भी किसी के घर विजिट में जाते हैं या फिर बिजनेस प्लेस पे जाते हैं, होटल मोटल रेस्टोरेंट कहीं पे भी जाते हैं, यू कैन सेंस दैट हिडन वास्तु जो शायद फोन कॉल्स में नहीं होता है। मिलना बहुत जरूरी होता है रिनी, कि कई बार हमें नहीं पता चलता। हिडन वास्तु ये नहीं है कि कोई भूत प्रेत कोई बैठा हुआ है जी। हिडन वास्तु में जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज जाती है अर्थ के नीचे से कई बार, तो उसको हमारे को सेंस करना बहुत जरूरी होता है, जानना जरूरी होता है कि कहीं उसकी वजह से कहीं स्ट्रेस तो नहीं है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और इसीलिए तो आप भी रेवा जी के साथ एक पर्सनल अपॉइंटमेंट फिक्स करेंगे बाय कॉलिंग 5108683338। रेवा जी, वैसे कॉलर्स तो बहुत सारे हैं पर टाइम तो हाथ से निकल रहा है, तो ट्रिविया कर ले आज के लिए। बिल्कुल, दैट इज ऑल्सो वेरी इम्पोर्टेंट। जी हाँ, और आज हम बस पांच ही कॉलर्स लेंगे यहाँ पे ऑन एयर। तो आज का सवाल रेवा जी मैं पूछ लूँ? बिल्कुल आप पूछ सकती हैं, आज आपकी बारी तो है ही, हमेशा ही होती है, जरूर आप पूछ सकती हैं। रेवा जी, मैं सभी से यही पूछना चाहती हूँ कि आपने बता दिया कि इस टाइम पे हमें एक नया ब्रूम खरीदना है, यानी कि झाड़ू खरीदना है, और आपने ये भी बताया था कि एक ऐसी जगह है अपने घर में जहां पे उस झाड़ू को नहीं रखना है। तो आज मैं एक नेगेटिव सवाल पूछने वाली हूँ। वैसे आज हालोवीन का दिन है, विचेस तो झाड़ू पे ही आते हैं, तो इसीलिए मुझे लगा चलो ये सवाल पूछ लेती हूँ कि झाड़ू पे ही आती है और लक्ष्मी ही झाड़ू है, है ना? तो इसीलिए तो आपको मैं यही पूछ रही हूँ कि घर में ऐसा कौन सा रूम है जहां पे आपको ब्रूम नहीं रखना चाहिए। वेल हमारे साथ अगर आप जुड़ना चाहते हैं अभी के अभी 5107705050। पहले स्पॉन्सर्स के तो बताइए। ऑफकोर्स स्पॉन्सर्स का नाम कैसे ना बताए, आज हमारे जो स्पॉन्सर्स है ऑफकोर्स एक तो है मिर्च मसाला, जहां के अमेजिंग अमेजिंग जो वहां पे सिजलर है, डेफिनेटली यू कैन गेट इट अगर आप वहां पे जाते हैं। शालीमार सनीवेल, बहुत ही उम्दा खाना है, और सबसे
यू नो इम्पोर्टेंट जो आज का स्पॉन्सर है उसके बारे में तो मैं बताऊंगी ही, क्योंकि वो है डिवाइन वास्तु। तो आज हमें गिफ्ट मिलने वाले हैं, सबसे जो इंटरेस्टिंग और सबसे इम्पोर्टेंट गिफ्ट वो है फ्रॉम डिवाइन वास्तु। अब गिफ्ट क्या है इसके बारे में बाद में बातें करेंगे, पहले ले लेते हैं हमारे कॉलर्स को। हेलो योर ऑन एयर, डू यू हैव द आंसर? हाय, माय नेम इज मीना, आई जस्ट वांट टू नो Revati happy Diwali to all of you, and she has given some coins thing. I missed it because I was at work and while definitely aap zarur check out kare unka blog and you will get all the information. Agar aapko pata nahi hai ki blog kya hai, it is revakumar-divinevastu.blogspot.com. lete hai agla caller just for the answer of my question. Hello, you're on air, do you have the answer? Hello. Hi. Hanji, do you have the answer? Yeah, the answer is Northeast. Northeast, aur aapka naam kya hai? Anjali. Anjali from which city? Union City. Union City. Thank you so much, Anjali. Keep listening. Hello, you're on air. Do you have the answer? Yes, this is Mohini from San Francisco. And my answer is to avoid Southeast and the kitchen. Thank you so much, Mohini. Keep listening. Hello, you're on air. Do you have the answer? हाय, किचन में झाड़ू नहीं रखना है और साउथ ईस्ट डायरेक्शन में नहीं रखना है। और आपका नाम बताइए? नीलम फ्रॉम सैन रेमोन। नीलम फ्रॉम सैन रेमोन, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। हेलो योर ऑन एयर, डू यू हैव द आंसर? द आंसर इज साउथ ईस्ट कॉर्नर, साउथ ईस्ट कॉर्नर और साउथ ईस्ट नॉट इन साउथ ईस्ट इन किचन। एंड व्हाट इज योर नेम? और कभी भी स्टैंड करके नहीं रखना चाहिए उसको, हमेशा मतलब नीचे रखना चाहिए। माय नेम इज रश्मि, आई एम फ्रॉम मिलपीटर्स। रश्मि फ्रॉम मिलपीटर्स, थैंक यू सो मच। लेते आखिरी कॉल। हेलो, यू ऑन एयर, डू यू हैव द आंसर? हाय दिनी, हाय रेवा जी, फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी हैप्पी दिवाली टू बोथ ऑफ यू। हैप्पी दिवाली टू यू, गॉड ब्लेस यू। एंड द आंसर इज साउथ ईस्ट डायरेक्शन, एंड द किचन इज इन द साउथ ईस्ट, देन नो किचन। And what is your name, ma'am? Where are you from? This is Sonia from Dublin. Sonia from Dublin. Thank you so much, Sonia. Aur ek aakhri caller le lete hain. Hello, you're on air. Do you have the answer? Hi. The answer is southeast corner, or in the kitchen mein nahi rakhna hai. And what is your name, ma'am? And my name is Pranali from San Ramon. थैंक यू सो मच प्रणाली, एंड कीप लिसनिंग। तो ये है हमारे कॉलर्स, और कॉल्स नहीं लेंगे, सॉरी, हमारे पास ऑलरेडी 6 कॉलर्स है। अभी रेवा जी आप बताइए कि सही आंसर क्या है, किस किस ने सही आंसर दिया और किसने गलत। ले लो ना। अच्छा, दिवाली स्पेशल। ओके, दिवाली स्पेशल। हेलो, यू आर ऑन एयर, डू यू हैव द आंसर? हाय, माय नेम इज शिल्पी। जी शिल्पी, शिल्पी व्हाट इज आंसर? सो आंसर इज साउथ ईस्ट एंड किचन। ओके, थैंक यू सो मच शिल्पी। वेल, से बोल रहे हैं शिल्पी? शिल्पी इज फ्रॉम फ्रीमोंट। एंड नेक्स्ट कॉल लेंगे नहीं लेंगे? 7, 8, 9 भी कर सकते हैं। ओहो, बस और एक ही लेंगे। हेलो, यू ऑन एयर, डू यू हैव द आंसर? हेलो, माय नेम इज मंजूषा फ्रॉम प्लेजेंटन। मंजूषा प्लेजेंटन, एंड करेक्ट आंसर इज नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट, ओके, थैंक यू सो मच मंजूषा। चलिए, आपने ऐसे देख ही लिया मुझे, तो और एक कॉलर को ले ही लेती हूँ। हेलो, योर ओ देखिए, हेलो योर, प्लीज अपना रेडियो बंद कर दीजिए। आई एम सो सॉरी, वी कुडंट टेक दिस कॉल। हेलो, योर ऑन एयर, डू यू हैव द आंसर? यस, इट्स साउथ ईस्ट कॉर्नर, एंड इफ द किचन इज इन द साउथ ईस्ट, सो नॉट इन द किचन। एंड व्हाट इज योर नेम, मैम? आरती फ्रॉम सनीवेल। आरती फ्रॉम सनीवेल, थैंक यू सो मच आरती, एंड दैट्स इट। तो अब रेवा जी बताइए कि व्हाट इज द करेक्ट आंसर, कहाँ में नहीं रखना चाहिए झाड़ू को? सभी लिसनर्स को बहुत बहुत, और कॉलर्स को, सॉरी, सभी कॉलर्स जिन्होंने कॉल किया था, अंजलि फ्रॉम यूनियन सिटी, मोहिनी फ्रॉम सैन फ्रांसिस्को, और नीलम फ्रॉम सैन रोमन, रश्मि फ्रॉम मिलपिटस, सोनिया फ्रॉम डबलिन, प्रणाली सैन रोमन, शिल्पी फ्रॉम फ्रीमोंट, मंजूषा फ्रॉम प्लेजेंटन, एंड आरती फ्रॉम सनीवेल। आप सबका आंसर्स जो भी मिले हैं, सबको पहले तो दिवाली की बहुत बहुत, आपको आपके परिवार को बहुत बहुत हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो। जी हाँ,
जो करेक्ट आंसर है बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। नहीं रखने में जिन्होंने हमें नॉर्थ ईस्ट भी कहा, ठीक है नहीं रखना चाहिए, लेकिन साउथ ईस्ट जहां किचन है, साउथ ईस्ट में अगर किचन है या साउथ ईस्ट डायरेक्शन में है तो वहां बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए। जिनका करेक्ट आंसर था, बहुत ही अच्छी तरह से जिन्होंने हमें बताया कि कैसे रखें उसको, लिटाकर रखें, उनका दैट शी वॉज द रश्मि फ्रॉम मिलपिटस। रश्मि जी आपको फर्स्ट प्राइज दिया जाता है, डिवाइन टूल्स की तरफ से आपको लक इनहेंस का एक किट दिया जाएगा। मेरे जो पहले भी विनर्स थे लास्ट शो के भी, आपको भी रश्मि जी कहा जाता है, ये रिक्वेस्ट की जाती है कि आप ये रेडियो जिंदगी 1550 स्टूडियो में नवंबर 8 को आप रिनी से कलेक्ट कर सकते हैं। रिनी टाइम क्या है इनका कलेक्ट करने का? You know, right after the show is good actually, maybe 4 o'clock. Oh, maybe 4 o'clock. Okay. तो मैं आप और यू नो वो आएंगे यहाँ पे, आपसे भी मिलके जाएंगे, हाउ कूल दैट विल बी। दैट्स वेरी गुड, दैट्स वेरी गुड, आई रियली लव कि अगर मैं इनसे भी मिल पाऊंगी। और नेक्स्ट हमारे पास में जो सेकंड कॉलर आ रही है हमारे पास में जिन्होंने विन किया है, दैट इज आरती फ्रॉम सनीवेल। आरती फ्रॉम सनीवेल, एंड आरती को मिलता है मिर्च मसाला के तरफ से एक लंच या फिर डिनर कूपन। बिल्कुल, आपको मिर्च मसाला की तरफ से मिलता है। थर्ड जो हमारे को साउथ ईस्ट बिल्कुल किचन के बीच में से किया बताया गया है, दैट इज फ्रॉम आपका ये वाला था ना सेंट रोमन का था, नीलम। हाँ जी, शी इज फ्रॉम द नीलम सेंट रोमन। ओके, और नीलम आपको मिलता है शालीमार के तरफ से 1 free biryani। तो आप सभी मुझे ईमेल कीजिए, और उसके बाद में हमारे जो बाकी थे आपके 3 कॉलर्स निकल गए, बाकी जो है आपको सेवा पे भेज रही हैं आप इनको। जी जरूर, आज दिवाली का धमाका गिफ्ट है, तो सेवा जो वॉलमार्ट के अंदर है स्टीवेंसन एग्जिट पे फ्रीमॉन्ट पे, यू कैन गो एंड गेट योर आई ब्राउज डन फॉर फ्री, और ये है फ्री गिफ्ट फ्रॉम रेवा कुमार। तो आप सभी मुझे ईमेल कीजिए, आई ऑलरेडी हैव ऑल ऑफ योर नेम्स, तो आप मुझे ईमेल जा सकते हैं जिनके लिए है, दैट इज अ मोहिनी आप जा सकती हैं, और सोनिया फ्रॉम डबलिन आपके लिए भी, प्रणाली जी आप भी जा सकते हैं, और शिल्पी फ्रॉम फ्रीमॉन्ट आपके लिए भी, मंजू शाह जी आपका आंसर ठीक नहीं था, आरती फ्रॉम सनीवेल आपके आरती का मिल गया जिनका है, प्लस नॉर्थ ईस्ट जिन्होंने कहा था मंजू शाह और अंजलि ने नॉर्थ ईस्ट कहा था, नॉर्थ ईस्ट रख नहीं सकते, दैट यू आर राइट, लेकिन साउथ ईस्ट वी हैव टू अवॉइड इट। जी हाँ, नॉर्थ ईस्ट में नेचुरली अगर आपका लिविंग रूम है, प्ले रूम है, तो आप कभी भी ब्रूम को नहीं रखेंगे, वैसे भी ब्रूम कभी भी विजिबल नहीं होना चाहिए। तो लिसनर्स, बहुत ही अच्छा रहा हमेशा आप सबके साथ में जुड़ के, थोड़ा सा चेंज करने के लिए जा रही हूं, जी हाँ, फ्रॉम वेडनेसडे मॉर्निंग डेफिनेटली। और साथ ही साथ यू नो रेवा जी, सभी को यही कहना चाहती हूँ कि डिवाइन वास्तु इज एन अमेजिंग थिंग, अगर आप उसको अपने जिंदगी में नहीं आजमाते हैं तो आप शायद कुछ मिस कर जाएंगे, और वो आप नहीं करना चाहते हैं, इसीलिए तो आप जरूर एक अपॉइंटमेंट फिक्स कीजिए विथ डिवाइन वास्तु कंसल्टेंट रेवा कुमार, 5108683338। और अब तो खुशी पे खुशी, क्योंकि आप हमेशा की तरह रेवा कुमार को सुन सकते हैं मॉर्निंग पे भी, वो भी वेडनेसडे मॉर्निंग, है ना। वेडनेसडे मॉर्निंग वैसे ही बहुत ही शुभ टाइम होते हैं, और 10:15 से लेकर 10:30 यानी कि 10:30 बजे तक हर वेडनेसडे मॉर्निंग चलते चलते मॉर्निंग कॉफी में मेरे साथ होने वाले हैं रेवा जी, और इसीलिए तो पूरे वीक के लिए खजाना एकदम लेके आने वाले हैं। ड्राइव कर करके ना मैंने बोला कि सबको तो मैंने मंजिल पे पहुंचा दिया, मैं क्यों नहीं मॉर्निंग ड्राइव करूं जब सुबह उनको काम के लिए जाना होता है। जी हाँ, तभी फ्रेश माइंड भी होता है, और वो वीक के लिए प्लानिंग भी कर लेते हैं, और तभी तो आप टिप्स भी पा सकते हैं फ्रॉम डिवाइन वास्तु कंसल्टेंट रेवा कुमार। तो नेक्स्ट वीक से भूल ना जाइए, सुबह 10:15 से लेके 10:30 तक हर वेडनेसडे मॉर्निंग रेवा कुमार लेके आने वाली है अमेजिंग वास्तु टॉक जस्ट फॉर यू। तो हमेशा सुनते रहिए रेडियो जिंदगी, पर याद रखिए अगर आप रेवा जी को अपने घर में, अपने बिजनेस में, होटल मोटल रेस्टोरेंट कहीं पे भी लेके जाना चाहते हैं फॉर अ पर्सनल कंसल्टेशन, नंबर बहुत ही ईजी है 5108683338। और अगर आप पर्सनलाइज कस्टमाइज प्रोडक्ट चाहते हैं फ्रॉम रेवा जी ऑन दिस दिवाली, तो यस ऑफकोर्स आप उनके साथ एक अपॉइंटमेंट फिक्स कर लीजिए
जरूर चेक कीजिए divinevastu.net और इनका ब्लॉग स्पॉट भी देख लीजिए rewakumar-divinevastu.blogspot.com। वेल रेवा जी, अभी टाइम तो ऐसा ही है कि टिप लिए बिना हम आपको नहीं जाने देंगे, तो क्या कहेंगे आप? बिल्कुल टिप देना चाहूंगी सभी लिसनर्स के लिए। बहुत जरूरी है आपका जो मुख्य द्वार है, जो मेन एंट्रेंस डोर है, उसकी सजावट, क्योंकि वहीं से ही तो माँ लक्ष्मी ने आना और पूरे आर्ट रूप में आना है। सिर्फ पैसे से नहीं, यश, प्रॉस्पेरिटी, कीर्ति, फेम, नेम, हेल्थ, वेल्थ, बच्चों से जुड़े हर चीज को लेकर उन्होंने आना है, जिसे हम बोलते हैं अष्ट लक्ष्मी स्वागतम। याद रखिए, अष्ट लक्ष्मी का स्वागत आपको करना है, सिर्फ लक्ष्मी का ही नहीं करना, जिसके साथ में आपके साथ में आपके घर पे विराज रही है माँ लक्ष्मी, विष्णु जी के साथ में, कुबेरा जी के साथ में, गणेशा जी के साथ में, सरस्वती के साथ में। इन पांचों का स्वागत करने के लिए घर के दरवाजे को सजा दीजिए, घर के दरवाजे को और भी बड़ा कर दीजिए, खूबसूरत कर दीजिए। और आज की जो मैं आपको टिप देने के लिए जा रही हूँ, हाउ टू डेकोरेट, यू हैव टू डेकोरेट योर मेन डोर विथ बंधनवाज, तोरण और डोर हैंगिंग्स मेड विथ मैंगो लीव्स एंड द गार्लैंड ऑफ मैरी गोल्ड फ्लावर्स टू ब्रिंग गुड लक, हैप्पीनेस एंड सक्सेस टू योर होम। इन द एब्सेंस ऑफ रियल स्टफ, वी कैन यूज वेल क्राफ्टेड क्लोथ सब्स्टिट्यूट टू डू दिस जॉब। तोरण सिंबलाइजेस नेचर एम्बेंडेंस एंड अट्रैक्ट ब्लेसिंग्स ऑफ माँ लक्ष्मी। इफ द अबव तोरण नॉट अवेलेबल, देन अदर तोरण विल ऑल्सो ऑस्पिशियस। ब्राइट येलो, ऑरेंज, रेड एंड ग्रीन कम टूगेदर इन जॉयस ग्लोरी, एडिंग टर्न्स ऑफ स्प्लेंडर दैट चीयर द हार्ट। हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू विथ लॉट्स ऑफ लव एंड ब्लेसिंग फ्रॉम वर्ल्ड ऑफ डिवाइन वास्तु एंड एस्ट्रोनोमरोलॉजी। थैंक यू सो मच रेवा जी, और आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए रेडियो जिंदगी। लौट के आइए नेक्स्ट वेडनेसडे सुबह 10:15 और नेक्स्ट थर्सडे 2 to 4, जस्ट टू बी विद रेवा कुमार, द वंडरफुल डिवाइन वास्तु कंसल्टेंट, हु कैन डेफिनेटली चेंज योर लाइफ एंड योर हैप्पीनेस विद वेरी सिंपल डिवाइन वास्तु रेमेडीज। तब तक खुश रहिए, फिट रहिए, हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू, एंड खुद से कहिए जिए जा। हार्मोनाइज योर लाइफ विद द प्रिंसिपल्स ऑफ वास्तु शास्त्र and make every moment of your life a celebration. With Vastu, life becomes an utsav. Visit divinevastu.net. Dr. Reva Kumar, your Vastu specialist.